ओरिएंट इलेक्ट्रिक के स्नो ब्रिज मैग्नस नियो 85 लीटर्स के इस कूलर के बारे में बात करेंगे। यह जो कूलर है वो कितना जल्दी आपके रूम को जो ठंडा कर देगा और इसको कितने बड़े रूम या फिर हॉल में आप यूज़ कर पाएंगे, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और यह जो कूलर है इसको चलाने पर बिजली बिल कितना आता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और यह जो कूलर आपको ऑनलाइन ही सस्ता मिलेगा तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा कूलर लेना चाहिए तो रूम साइज के हिसाब से या फिर इस बजट में जो भी बेस्ट कूलर आते हैं उन सभी का लिस्ट मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनमें से भी आप कोई भी एक कूलर ले सकते हैं। हमने चुन चुन करके बढ़िया कूलर का जो है ना पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है, तो वो सारे मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बन जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर पाएंगे। चलिए हमारे पास कुछ फोटोज आपको दिखाते हैं और इस कूलर के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के मैग्नस नियो इस कूलर को आप लगभग 400 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज में, इवन 450 स्क्वायर फीट तक के रूम या फिर हॉल साइज में, बड़े हॉल में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी कूलिंग करके आपको देता है। यह जो कूलर है इसमें आपको 4-way डायरेक्शन कूलिंग मिलती है, यानी कि अप डाउन राइट लेफ्ट हर साइड में जो है ना ये हवा जो है ये फेंकता है। इसका एयर थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 53 फीट की एयर थ्रो आपको इसमें मिल जाती है, यानी कि आपका रूम का कोना कोना काफ़ी जल्दी ठंडा कर देता है। यह जो कूलर, इसमें हनीकॉम पैड्स लगाए गए हैं, ट्रिपल हनीकॉम पैड्स है तीन साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड में, जिससे कि आपको कूलिंग जो है वो काफ़ी जल्दी मिलती है और आपके रूम को ठंडा करने में लगभग 2-3 मिनट का समय लगाता है और काफ़ी जल्दी जो है आपके रूम को ठंडा कर देता है। इस कूलर को आप चलाएंगे तो महीने का बिजली बिल 200-250 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेगा, महीने का बिजली बिल 200-250 के बीच में, अगर डेली 8 घंटे यूज़ करते हैं इस कूलर को। तो बात करें वारंटी की तो यहाँ पे आपको 12 मंथ्स की वारंटी मिलती है, यानी कि 1 साल की वारंटी आपको इस कूलर पर मिल जाती है। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है, व्हील्स मिल जाते हैं, कैस्टर व्हील्स है जो कि बहुत ही स्मूथ रहते हैं और एक रूम से दूसरे रूम में आप इस कूलर को धक्का दे करके ले करके जा सकते हो, इसमें व्हील्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको वाटर थ्रोइंग लेवल्स मिल जाते हैं और कूलर में जो रहता है, और दूसरा जो है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए आपको नॉब मिल जाता है, तो ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इस कूलर में। यह जो कूलर है दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लॉन्ग लाइफ तक यह जो कूलर है वो ड्यूरेबल भी रहता है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसका हनीकॉम जो पैड्स है वो अगर गंदे हो जाते हैं और कूलिंग नहीं करते तो 2-3 साल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। सस्ते आते, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, आपका काम जो है बहुत ही सस्ते में निपट जाएगा। यहाँ पे यह जो कूलर है इसमें आपको आइस चैम्बर मिल जाता है, यहाँ पे बर्फ़ भी डाल सकते हैं, टॉप ऊपर से आपको डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ठंडी हवा मिलती रहेगी। वाटर फिलिंग के लिए आप उसको बैक साइड में ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप पानी डाल सकते हैं और नीचे तरफ में रबर जैसा एक पार्ट दिया रहता है उससे आप पानी निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वाटर फिलिंग और यहाँ पे एम्प्टी किया जाता है। यहाँ पे यह जो कूलर जब चलता है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है, बहुत ही साइलेंटली कूलर जो वो काम करता है, मतलब नॉर्मल दूसरे कूलर के मुकाबले में काफ़ी कम आवाज़ करता है यह कूलर। एक सजेशन देना चाहूँगा आपको कि पानी जो है वो कूलर का 2-3 दिन में चेंज कर ले और रूम में एयर वेंटिलेशन रखे, ताकि आपका जो रूम है उसमें कहीं भी एक खिड़की जरूर खुली रहनी चाहिए, जिससे कि हवा जो है वो इन और आउट होता रहे, ताकि आपका रूम और भी बेटर तरीके से कूल हो पाए। या किसी भी कूलर के लिए मतलब मस्ट जानकारी होनी चाहिए आपको कि कूलर यूज़ करते हैं, कोई भी कूलर यूज़ करते हैं तो रूम में वेंटिलेशन रहना चाहिए, यानी कि कोई एक खिड़की जो है जरूर खुली रहनी चाहिए। ओवरऑल कूलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाई लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कूलर लेना चाहिए तो हमने बेस्ट कूलर का लिस्ट बनाया हुआ, वो कूलर का लिस्ट भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनमें से भी आप कोई भी कूलर ले सकते हैं। बेस्ट हमने चुन चुन करके लिस्ट बनाया हुआ है, उनमें से आप कोई भी एक कूलर बाई कर सकते हैं। सभी का लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डिस्क्रिप्शन बंद करिए, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बेस्ट बाय लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।